गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट मी गिव यू सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट, वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है? टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, 1 + 10²⁰। 10²⁰ का मतलब क्या? 10⁰ का स्क्वायर, 10⁰ का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 1 + 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1√3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। जब फर्दर इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 2/√3। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 3। ये हो जाएगा 3 + 1 = 4। 3 + 1 = 3, 3 + 1 = 4/3 हो जाएगा, ठीक है। जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3। 4/3 का जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे 4/3 का, तो ये हो जाएगा 3/4। तो 2 + 1 = 2, 2 + 4। अब देखो, ये किसी भी फंक्शन की वैल्यू नहीं होती है। अगर आप ऑप्शन में देखो, आपको फंक्शंस की वैल्यू पूछी गई है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, बिकॉज √3 × √3 होता है। अपॉन में क्या हो जाएगा? √3 × 2। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है sin 60 की, या ये वैल्यू होती है cos 30 की। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखो, तो ऑप्शन ए जो है आपका sin 60 है, cos 30 यहाँ पर गिवन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। दिस इज द वैल्यू, गिवन वैल्यू। सी, 1 - 10·45 की वैल्यू क्या होती है? 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 1 + 10·45 की वैल्यू क्या होती है? 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 1 = 0/2, 0/2 क्या होगा? 0। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब आपको कहा जा रहा है ये इक्वेशन किस एंगल के लिए ट्रू होगी, मीन्स ए की हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए। तो देखो, ये सिर्फ ट्रू होता है जब a आपका 0 डिग्री होगा, तभी ये ट्रू हो सकता है। कैसे? देखो, अगर मैं a की जगह पुट a इक्वल टू 0 डिग्री फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अगर मैं a की जगह 0 डिग्री रखता हूँ, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा? 0, तो ये भी 0 डिग्री हो गया, और 2 × sin क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब sin 0 क्या होता है? 0। sin 0 क्या होता है? 0। तो 0 = 0, तो ये ट्रू हो गया। कब ट्रू हुआ? जब a 0 डिग्री था। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इज 2 tan 30 degree अपॉन 1 - 10²⁰ अपॉन 1 - 10²⁰। हमें चेक करना है कि ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस, अगेन 1030 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। नाउ न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3, एंड डिनोमिनेटर 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1√3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा? 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। 3 + 1 = 3, 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3। ये कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो रेसिप्रोकेट होने का मतलब क्या है? ये हो जाएगा आपका 2/√3, 2/3 का रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब हुआ √3 × √3 अपॉन में क्या आ जाएगा? √3, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू √3 आ रही है। अब ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, ऑप्शन में आपको एंगुलर वैल्यू गिवन है, और एंगुलर वैल्यू में देखो 1060 डिग्री गिवन है, और 1060 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है।
तो जो गिवन वैल्यू उसमें 1060 की वैल्यू रूट थ्री होती है या होती है कॉट 30, कॉट 30 यहाँ ऑप्शन में गिवन है नहीं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।